गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्रेन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चैप्टर नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो है नेट का प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा, तो लाइव क्लास आप लोग के स्टार्ट होगी, तो इसलिए आप लोग आज लाइव क्लास फर्स्ट ही लिख लो। ठीक है, ताकि उस सीरीज को ही हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। एक बार दूसरी चीज आप ये ध्यान रखोगे कि जो ही आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज ही इस वीडियो को आप लोग देख लोगे, नहीं तो नेक्स्ट डे आप लोग को ये वीडियो नहीं मिलेगा, उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग लिखो चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड हो गया आपका क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे विद्युत की, विद्युत की। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपका क्या होगा, क्रेन इलेक्ट्रिसिटी। आपका ये लाइव क्लास फर्स्ट में लिख लो। ठीक है ना, क्योंकि जो ही नेट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा आप लोग का लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से ही आप लोग पढ़ोगे, और पर डे आपको जो है क्लास जो ये वीडियो है पर डे आपको देखते चले जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आप जब भी क्लास में आओ तो आपको ये होना चाहिए कि हम पिछले क्लास का जो है हम पढ़ के आए हुए हैं, तभी आपको समझ में आएगी। और आप जब भी वीडियो खोलो तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठो, क्योंकि आपको मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आपको लिखाते जाऊंगा। ठीक है ना, जहां पर आपका एक्सप्रेशन होगा सिर्फ मैं वही लिखूंगा, इसलिए आप साथ साथ नोट करते चले जाइए। तो आप लिखे चैप्टर थर्ड क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की। ये आपका लाइव क्लास हमने क्या लिया है, फर्स्ट लिया है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कस करने से पहले हम यूनिट फर्स्ट में जाना चाहेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड होगा, और अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो ये यूनिट टू होगा। आप अपना सिलेबस निकालोगे, जिस टाइम आपको हम सिलेबस के बारे में बता रहे थे, तो उस टाइम देखो कि हमने बताया था आपको 12 में टोटल जो है कितना यूनिट पढ़नी है, 10 यूनिट पढ़नी है। ठीक है ना, तो जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट मैंने खत्म कर दिया है, ये आपका यूनिट क्या है, सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड और चैप्टर नंबर आपका क्या होगा, थर्ड हो जाएगा, क्रेन इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग जो है इसमें जो है स्टार लगा करके लिखो विद्युत की, विद्युत की, वो तो आप हेडलाइन दिए होंगे, यहां स्टार लगा लिखिएगा विद्युत की क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी, क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो, अब विद्युत की क्या होता है, विद्युत की पढ़ने से पहले हम जाना चाहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फिजिक्स का वो शाखा होती है जिसमें चार्ज के बारे में आप स्टडी करते हो, लेकिन चार्ज का जो स्टेट होती है, उसकी अवस्था जो होती है, वो रेस्ट में होता है। यानी आपको उसमें बताए होंगे कि फिजिक्स के जिस शाखा में आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाए उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अब आपका यहाँ पर क्या है, क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्रेंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग चार्ज का ही स्टडी करेंगे, बट चार्ज जो होगा वो मेरा किसमें होगा, मोशन में होगा। तो विद्युत की क्या होगा कि फिजिक्स के जिस शाखा में आवेश के गति अवस्था का अध्ययन किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत की कहते हैं। तो लिखो आप लोग हाइफन लगा के लिखो, देखो फिजिक्स के जिस शाखा में, फिजिक्स के जिस शाखा में आवेश के गति का अध्ययन किया जाए, फिजिक्स के जिस शाखा में आवेश के गति का अध्ययन किया जाए, आवेश के गति का अध्ययन किया जाए विद्युत की कहलाता है, आवेश के गति का अध्ययन किया जाए विद्युत की कहलाता है। फिर से एक बार मिला लीजिए, फिजिक्स के जिस शाखा में आवेश के गति का अध्ययन किया जाए विद्युत की कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसमें जो है चार्ज को किस में स्टडी करेंगे, मोशन में करेंगे। तो नीचे उसके नीचे देखो फिगर हम लोग बनाएंगे, जैसे आप अगर कंसीडर करो कि ये मेरा एक ग्लास का रॉड है और इस पे प्लस 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 चार्ज है, इसको हमने क्या माना, ग्लास रॉड माना, ये ग्लास रॉड माना।
और यहां पे हम मान लेते हैं कि चार्ज मेरा रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट, समझ रहे हो ना। तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ, चार्ज मेरा स्थिर है। ये ग्लास का रॉड क्या होगा, इसको हम लोग छड़ बोलेंगे। अब बताओ अगर ये चार्ज एट रेस्ट होगा तो हम इसको किस में बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर ऐसा रहता तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका स्टडी करते, लेकिन अब हमको जो पढ़ना क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें चार्ज मेरा रेस्ट में नहीं रहेगा, बल्कि चार्ज मेरा किस में होगा, मोशन में होगा। और जब चार्ज मोशन में होगा तो इस टाइप से चार्ज क्या होगा, मान लो फ्लो करता हुआ रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप अगर ये कंसीडर कर लेते हो कि ये एक वायर मैं ले लेता हूं, ये आपका वायर हो, इस वायर का नाम हम यहाँ पी लिखते हैं, यहाँ आर लिखते हैं, पी आर, समझ रहे हो ना। इसे प्रभात आर से रंजन, प्रभात रंजन दोनों इंच। और आप यहां से देखो, ये तुम्हारा जो है एक बैटरी हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, ठीक है। ये बड़ा वाला है तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये छोटा वाला है तो निगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हम स्विच को ऑन करता, स्विच भी बना सकते हो, यहाँ मान लो स्विच हम बना, और ये तुम्हारा होगा स्विच को हम, ये तुम्हारा स्विच हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, स्विच हो गया। अब स्विच को हम ऑन किए हुए हैं, जो ही स्विच को ऑन करेंगे यहां से करेंट निकालना स्टार्ट हो जाएगा, और करेंट तुम्हारा क्या हो गया, आई। अब इसमें चार्ज फॉलो हो रहा है, जब चार्ज इसमें फॉलो कर रहा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, चार्ज इन मोशन। चार्ज जो मेरा है वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। और जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो हम लोग उसको फिजिक्स के किस ब्रांच में डालेंगे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में डालेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम लोग लिखेंगे करेंट, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। नोट कीजिए इसको, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, तेजी से इसको नोट करो। डिफिनेशन के बाद आपको ये फिगर बनानी है, उसके बाद आपको ये फिगर बनानी है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें चार्ज आपका रेस्ट में है, इसमें चार्ज आपका मोशन में है, जिसको हमने क्या कहा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोला। डिफिनेशन आप लिखे हो गए, विद्युतकी का डिफिनेशन लिखा है ना, उसी के नीचे आपको ये दोनों फिगर बनानी है। बना लिए, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार लगाओ, स्टार लगाओ। अब स्टार में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इंग्लिश लिखेगा इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। अब देखो तो इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, ध्यान दो। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको कंडक्टर मानते हैं, ये देखो, ये मान लो कंडक्टर है या वायर मान ले, तो इसका एक इंड देखो ये है और एक इंड इसका ये है। तो ये जो आप इंड देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, समझ रहे हो ना। ये अगर हम एक कंडक्टर मानते हैं तो इस कंडक्टर का ये इंड और ये इंड, ठीक है, इस इंड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सिरे बोलते हैं, है ना। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम बहुत से पार्ट में, अगर इसको काटे तो बहुत से पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल ए से करेंगे। तो विद्युत धारा क्या होता है कि विद्युत धारा हम लोग बोलते हैं, जैसे आप कंसिडर करो कि ये वायर, ये आपका वायर। अब ये अगर वायर है, अगर हम मान लो कि इसमें करंट देंगे, ठीक है, तो करंट देने का मतलब क्या है कि इसमें चार्ज फॉलो करेगा, तो चार्ज फॉलो करेगा तो कुछ टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम इसमें क्यू चार्ज गया, ये वायर है, मान लो इसमें कितना चार्ज गया, क्यू चार्ज गया। तो अगर आपका क्यू चार्ज गया तो चार्ज को मान लो कि जाने में टाइम तो कुछ लिया था, तो मान लेते हैं टी टाइम लगा, कितना चार्ज आने में, क्यू चार्ज आने में। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि टी टाइम में कितना चार्ज जाता है क्यू। अब कोई बोलेगा एक में कितना होगा, तो
एक में क्या होगा क्यू बाई तीन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जो एक में कहेंगे तो वो मेरा क्या होगा प्रवाह की दर होगा। यानी आप ऐसा सोचो, अगर हम ये कहते हैं कि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, क्या बोले हम, किसी चालक में टी समय में कितना होता है क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो एक में कितना होगा यानी एक सेकंड में कितना होगा, तो क्यू बाय टी होगा, जो क्या कहलाएगा आवेश के प्रवाह की दर कहलाएगा। और इसी आवेश के प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं। तो अब यहां के बाद मान लो कि विद्युत धारा का डिफिनेशन लिखना होगा, तो विद्युत धारा का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है विद्युत धारा कहलाता है। तो लिखो तुम लोग यहां से हाइफन लगा के लिखो, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, फिर से तुम लोग एकदम कॉपी कलम निकाल करके नोट करते जाओ। देखो आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। देखा, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। अब नीचे लिख लीजिएगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां पे आप I को क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ये क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। Q को क्या बोलोगे चार्ज, Q को क्या बोलोगे चार्ज, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे आवेश, और T क्या होगा समय टाइम, ये हो गया समय। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है, और I स्क्वायर टू क्या लगाओगे Q बाय T लगाओगे, जहां पे I किसको बताएगा इलेक्ट्रिक करंट को, Q किसको बताएगा चार्ज को, T किसको बताएगा टाइम को। ठीक है, ये लिखिए, अब देखिए, अब नीचे लिखो, नीचे लिखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उसके नीचे लिखे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट नंबर लिखिए, पहला पॉइंट क्या है आपका करेंट जो है इलेक्ट्रिक करेंट जो है वो अधिश राशि है, तो पहला पॉइंट लिखो विद्युत धारा, फर्स्ट नंबर लिखो विद्युत धारा एक अधिश राशि है, विद्युत धारा एक अधिश राशि है, देखो विद्युत धारा एक अधिश राशि है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड लिखो, देखो एस आई यूनिट, एस आई यूनिट, अब देखो इसका एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, तो आपने क्या देखा आई स्क्वायर टू क्यू बाई टी देखा, तो चार्ज का क्या बताया कूलम, टाइम का क्या सेकंड, तो कूलम पर सेकंड होगा, और कूलम पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे एम्पियर बोलेंगे, तो ऐसा यूनिट लिखो कूलम्ब, कूलम्ब पर सेकंड और एम्पियर, जिसको डिनोट किससे करेंगे कैपिटल ए से करेंगे, तो कूलम्ब पर सेकंड या एम्पियर, देखो कूलम्ब पर सेकंड या क्या हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, थर्ड लिखो, देखो इसका थर्ड लिखो, इसका सीजीएस मात्र, इसका सीजीएस मात्र या विद्युत चुंबकीय मात्र, या विद्युत चुंबकीय मात्र, इसको इंग्लिश बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू, इसका सीजीएस मात्र या विद्युत चुंबकीय मात्र बायोट, बायोट जिसको कैपिटल बी और आई दे दोगे बायोट, या एबी एम्पियर, बायोट या एबी एम्पियर होता है। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक या विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू बायोट बी आई से लिखोगे या एबी एम्पियर होता है, नोट करते जाइए, तो फटाफट नोट करोगे एकदम कॉपी पेन सब निकाल करके बैठेगा एकदम, आज से आप लोग समझ लीजिए कि ऑफलाइन की तरह क्लास चलेगा ये। ठीक है, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहे थे उसी टाइप से आपकी पढ़ाई होगी, एकदम कंसर्स रहोगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सिस्टम, न्यूमेरिकल लिखो, देखो किसी किसी चालक
किसी चालक तार से किसी चालक तार से दो सेकंड में 5 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। 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 तो विद्युत धारा की गणना कीजिए। आप देखिए तो आपको यहां से टाइम कितना दिया, 2 सेकंड ना, तो 2 सेकंड टाइम ले लिए। कितना चार्ज दिया हुआ है, 5 कूलम्ब, तो Q इज इक्वल टू 5 कूलम्ब लिखोगे। I बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Q बाय T, तो ये I हो गया। Q का वैल्यू कितना हो गया आपका 5/2, सो I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ये आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे लिखो हम लोग। आगे स्टार लगाओ, अब लिखो औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, औसत विद्युत धारा। अब देखो औसत विद्युत धारा क्या होता है, ध्यान देना। अभी हमने क्या देखा कि जब आप किसी कंडक्टर से आपका चार्ज जो है एक समान रूप से फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप I इक्वल टू क्यू बाई टी लगाओगे। बट ऐसा मानो कि एक समान रूप से नहीं फॉलो हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, अगर ऐसा केस अगर आ जाए तब हम लोग औसत विद्युत धारा की हमको जरूरत पड़ेगी। तो औसत विद्युत धारा क्या होगा कि किसी चालक से प्रवाहित कुल आवेश एवं लगे समय अंतराल के अनुपात को औसत विद्युत धारा कहा जाता है। तो लिखो, देखो किसी चालक से प्रवाहित कुल आवेश एवं लगे समय अंतराल के अनुपात को औसत विद्युत धारा कहा जाता है। औसत विद्युत धारा कहा जाता है। लिखिए तब नीचे लिखिएगा आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, ये हो गया I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद आगे स्टार लगाओ, देखो तात्क्षणिक विद्युत धारा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, तात्क्षणिक विद्युत धारा। अब देखो तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है, आप औसत विद्युत धारा निकाले, I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना, या आई ए बी भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होगा कि किसी क्षण औसत विद्युत धारा के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक विद्युत धारा बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। तो लिखो, देखो किसी क्षण औसत विद्युत धारा के मान को, 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 किसी क्षण औसत विद्युत धारा के मान को,
किसी क्षण औसत विद्युत धारा के मान को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहा जाता है, तात्क्षणिक विद्युत धारा कहा जाता है। तब लिखिएगा, देखो तो आई इज इक्वल टू डेल टी टेंस टू जीरो लिमिट डेल क्यू बाय डेल टी, और इसी को तब आई इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, ये पूरे को हम बोलेंगे डी क्यू बाय डी टी, है ना। यहाँ पर कैपिटल क्यू लिख सकते हो, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, ध्यान देना हम इसी के बदले यहाँ कैपिटल क्यू जैसे लिखे, हम स्मॉल क्यू भी लिख सकते, ऐसा लिख सकते हो डी क्यू बाय जी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी जी। अब देखो ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कब करेंगे, जब मेरा चार्ज जो है वो समीकरण के रूप में होगा, यानी टी के फलन के रूप में होगा, तब आप ऐसा यूज करोगे। तो नीचे लिख लो, नोट करके लिखना, देखो जब आवेश टी के फलन के रूप में हो तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी सूत्र का प्रयोग होता है। और देखिए जब आवेश टी के फलन के रूप में हो तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक। अब देखो, अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नीचे लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लिखना। देखो तो किसी तार से प्रवाहित आवेश किसी तार से प्रवाहित आवेश का समीकरण, किसी तार से प्रवाहित आवेश का समीकरण टी के साथ निम्नवत है। नीचे समीकरण लिखिए, क्यू इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t-1, क्यू इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t-1, तो t बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा की गणना कीजिए, तो t बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब देखो तो अब आप बताओ कि इसमें आपका चार्ज जो है वो चार्ज क्या है, t के साथ फलन के रूप में है ना, t के साथ क्या है फलन के रूप में है ना। तो यहाँ q इज इक्वल टू आपका 3t² प्लस 2t क्या है -1, तो t बराबर क्या कर रहा है आपको 1 सेकेंड पर आपसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी लगाएंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी लगाओ, तो आई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा डी क्यू बाय कितना डी टी, ये आई हो गया डी बाय डी टी। आप क्यू के बदले क्या लिखोगे 3t² प्लस 2t-1 लिखोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया i, इससे 3 कॉमन कर लो, ये 3 तो आपका बाहर आ जाएगा, 3d/dt t² हो जाएगा, इसको बाहर निकालिए, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं, प्लस हो गया, और ये 2 इससे आपका बाहर आएगा, तो d/dt आपका क्या होगा t, और ये d/dt ये आपका क्या रह गया होगा, तो इसको आप i इसकर को क्या लिखोगे 3। अब ये देखो d/dt t² ये किस फॉर्मूला पर चला जाएगा, d/dx(x^n) पर, और d/dx(x^n) इसकर को क्या बताए थे nx^n-1, तो आपको n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 2, t पर पावर कितना 2-1, अर्थात कितना हो जाएगा 1 होगा ना, यहाँ 2-1 लिख देते हैं, प्लस 2 dt/dt 1 कॉन्स्टेंट का क्या 0,
तो ये I इज इक्वल टू आपका हो गया 60 प्लस में कितना Q हो जाएगा। तो अब ये T के बदले T के बराबर कितना था आपको पुट करने के लिए 1 सेकेंड ना, तो T के बदले T इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखने पर T के यहाँ पर 1 सेकेंड आपको तब देखो तो ये आपको कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू 6 × 1 प्लस 2 होगा तो I इज इक्वल टू 6 + 2 सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से रिवीजन करके फिर कल के क्लास में आओगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। और अगर आपका पीछे का पढ़ा हुआ नहीं रहेगा आप वीडियो छोड़ते जाओगे, ठीक है, कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे तो समझना आगे क्लास में समझ में नहीं आएगा। और जो ही क्लास चलेगी तो मैं आपको इसी के आगे पढ़ाऊंगा, आप बैक नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। डेली आप आपकी क्लास चलेगी और जब लाइव क्लास हो जाएगा तो पूरे 1 घंटा आप लोग को मिलेगा, तो उसमें और ज्यादा आपका जो है सिलेबस आगे खींचाएगा, ठीक है। थैंक यू।